नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो के अंदर। आज मैं आप लोगों को अपने पड़ोसी राष्ट्र, जी हाँ सभी लोग जानना चाहते हैं चाइना, चाइना के बारे में एक ऐसी डराने वाली खबर देने आया हूँ जिसके कारण भारत के अंदर भी डर और अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश जो लगातार विस्तारवादी नीति को अपनाता रहा है, जिसने हर एक कदम ऐसा उठाया है जिसमें किसी न किसी देश की बड़ी हानि हुई है, और आज उसी देश के द्वारा कुछ ऐसी तैयारियां करी जा रही हैं जो आने वाले समय में भविष्य के अंदर पड़ोसी राष्ट्र के लिए अच्छा समय नहीं दिखा रही, क्योंकि इस समय के ऊपर चाइना की परिस्थितिक बदलाव, चाइना का प्राकृतिक बदलाव, चाइना की ये कहिए आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं रह गई है कि वो किसी भी प्रकार के नए नियमों को या फिर नई ऐसी राह की तरफ चल पड़े जिसके कारण उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो अभी अपने आप को संभालता हुआ चाइना अपने लिए बहुत मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ ऐसी तैयारियां कर रहा है जो आने वाले समय के अंदर उसको कई सालों तक युद्ध लड़ाने की क्षमता रख सकती हैं, और इसके बारे में पूरी की पूरी एक रिपोर्ट प्रदर्शित हुई है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक छोटी जानकारी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, पूरी रिपोर्ट के बारे में अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी दूंगा। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार हो रही है। जी हाँ, सुन के घबराहट हो रही होगी ना, चाइना कैसे एक आर्मी को तैयार कर रहा है। चाइना के अंदर पीपल आर्म फोर्स कहलाने वाली ये कंपनी जो चाइना के लिए रिज़र्व फोर्स का काम करेगी, जैसे यूएसए अपनी होम सिक्योरिटी को आगे रिज़र्व फोर्स के लिए रखता है, भारत के अंदर सीआरपीएफ और बीएसएफ रहती हैं, ऐसे चाइना के अंदर ये पीपल आर्म फोर्स के नाम से कहलाई जाने वाली कंपनी, ये चाइना के लिए जिस भी स्थान पर युद्ध हो रहे होंगे, जिस भी स्थान पर बगावत हो रही होगी, आंदोलन हो रहे होंगे, जलूस, प्राकृतिक आपदाएं, वॉर के अंदर मदद को लेना, पड़ोसी बॉर्डर्स के ऊपर रिप्लेस करके इनको आगे बढ़ाते हुए इनको युद्ध के अंदर शामिल करना, जी हाँ इन नौजवानों की ये फौज चाइना के लिए आने वाले फ्यूचर को दिखा रही है। जितने भी नौजवान इस फौज के अंदर चाइना भर्ती कर रहा है, सारे के सारे 18 से लेके 25 साल तक की उम्र के पुरुष हैं या महिलाएं हैं, और इनको डायरेक्टली भर्ती किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी चाइना को इस सेना की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, क्यों चाइना इतनी बड़ी सेना को दोबारे से अपने इंटरनल चीज़ों को बनाए रखने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना दूसरे देशों के साथ में युद्ध के हालातों में फंसने की कोशिश कर रहा है, जैसे ताइवान हुआ, भारत के ऊपर भी इसके विवाद चल रहे हैं अभी तक, प्रॉक्सी वार और केवल जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो अब उन मुद्दों को आंतरिक गुटों की तरह इसराइल के अंदर जैसे युद्ध के हालात उत्पन्न हुए, वहाँ की जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया, तो भविष्य की नीतियों को देखते हुए पहले से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाती हुई ये कंपनी जनता को पूर्ण रूप से सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी। जनता को किसी भी गलत कार्य, गलत मोर्चे, गलत आंदोलन का भाग नहीं बनने देगी। सरकार के खिलाफ मोर्चे, प्रदर्शन, आंदोलन, धरने आदि करने की इजाज़त नहीं देगी। सरकार को इंटरनल रूप से सपोर्ट भी पहुंचाएगी, और ज़रूरत पड़ी तो वॉर फ्रंट के ऊपर भी ये सेना चाइना की तरफ से आप लोगों को लड़ती हुई दिखाई देगी। दुनिया के अंदर जितनी विस्तारवादी नीति को चाइना अपनाता है, ये हमेशा ही इन स्थितियों के अंदर अपने रहने वाले नागरिकों का उपयोग करता हुआ आया है, और आगे भी इसी प्रकार से उपयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 50 सालों के बाद में अब चाइना को ये प्राइवेट आर्मी बनाने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। कभी 1990 में चाइना की जीडीपी 9% हुआ करती थी, और 2023 में चाइना की जीडीपी 5.2% रह गई है, और 2.2
2024 में ये जीडीपी 4.8% के आसपास पहुंच गई है, तो इसका मतलब है कि चाइना की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे डावाडोल होती नज़र आ रही है। चाइना के अंदर खतरे उत्पन्न होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाइना के अंदर प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं, जिसके कारण उत्तरी और पूर्वोत्तरी भाग चाइना का डूबता जा रहा है और जिसमें बाढ़ के कारण अत्यधिक नुकसान हो रहा है, फ्लैश फ्लड के कारण अत्यधिक नुकसान हो रहा है। लोगों को केवल और केवल मजबूरन स्थिति के अंदर रहने के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं रहा है। तो क्या चाइना हकीकत में अब ताइवान के साथ युद्ध करने के लिए इस सेना का उपयोग करने वाला है, या आंतरिक मुद्दों को सुलझाने के लिए इस सेना का उपयोग करने वाला है, या केवल प्रकृति के द्वारा जो ये कठिनाइयां चाइना के अंदर उत्पन्न हो रही है उसके अंदर इन सेना का उपयोग करने वाला है, ये बातें केवल चाइना और चाइना की सरकार ही जानती है। लेकिन इतने सालों के बाद में एक नई आर्मी का निर्माण करना, और वो भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े स्तर के ऊपर निर्माण करना, ये दिखाता है कि आने वाला समय चाइना के दिमाग में चल रहे उन उत्पातों को दिखा रहा है कि वो कुछ ना कुछ बड़े घटनाक्रमों को, बड़ी ऐसी चीज़ों को अंजाम दे सकता है कि जो पूरे ये कहिए कि पड़ोसियों के लिए, खुद चाइना के लिए और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो आप लोगों का क्या विचार है, जिस प्रकार से चाइना रियल एस्टेट मार्केट गिरता जा रहा है, जिस प्रकार से आर्थिक मंदी का शिकार हो रहा है चाइना, उसके बावजूद भी ज़मीन को हत्याने में अपने पैर पसारता जा रहा है, क्या इस आर्मी के सपोर्ट के कारण चाइना दूसरे देशों के अंदर भी अपने सैनिक भिजवाने में सक्षम हो पाएगा, या आंतरिक गुटों से, आंतरिक सिविल वॉर की समस्याओं से चाइना बच पाएगा, ये तो आने वाला भविष्य और आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा घटनाक्रम से बचने के लिए चाइना में ये तैयारी होनी शुरू हो गई है, और मुझे ऐसा फील होता है कि चाइना कुछ आने वाले समय में 2030 तक बड़ा करेगा, जिस प्रकार से उसने प्लान तैयार किया हुआ है। इस प्लान को अगर आप आने वाले वीडियोस में सुनेंगे तो आप भी डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि इतनी घटिया सोच रखी है, इतना बड़ा प्लान बनाया है जो कई देशों के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, कई लोगों के लिए जीवन के ऊपर संकट उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि युद्ध जब भी स्टार्ट होता है अपने साथ में उन परिवारों की उम्मीदों को भी तोड़ देता है जो परिवार के जन आर्मी के अंदर भागीदारी निभा रहे होते हैं, आर्मी के अंदर रह रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल और यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।